नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 2 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की। सिंधु आज शाम ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए मैच खेलेंगी, जिसके लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली में हवन हो रहा है, तो वहीं झारखंड में बाबा धाम मंदिर में आरती की जा रही है। बंगाल के पाकुड़ में छात्रों ने रैली निकाली है, तो वहीं हरिद्वार और वाराणसी में सिंधु के लिए यज्ञ किया जा रहा है। तो देश भर में अलग अलग तरीके से दुआएं की जा रही है पीवी सिंधु के लिए। आज शाम 7:30 बजे उनका वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी से बैडमिंटन का मुकाबला है। गोल्ड के लिए भिड़ेंगी पीवी सिंधु। कल उन्होंने अपना मैच जीता था इंग्लैंड की चैंपियन नोजोमी ओकुहारा को 21-19, 21-10 से हराया था और फाइनल में प्रवेश किया था। 49 मिनट तक ये मुकाबला चला था और हर पल देश की दुआएं उनके साथ थी। आज भी दुआओं का सिलसिला जारी है, मंदिर हो या फिर मस्जिद, हर जगह अलग अलग ढंग से दुआएं की जा रही हैं। क्या मंदिर क्या मस्जिद, हर जगह सिंधु के गोल्ड मेडल के लिए दुआओं का दौर जारी है। मंदिरों में यज्ञ पूजा और आरती हवन किया जा रहा है, तो वहीं मस्जिदों में सिंधु की कामयाबी के लिए मन्नतें मांगी जा रही है। दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं मंदिरों के अंदर। यज्ञ किया जा रहा है किसी मंदिर में, तो कहीं पर दुआओं के लिए हाथ उठ रहे हैं मस्जिद में। सभी लोग यही चाहते हैं कि पीवी सिंधु गोल्ड लेकर वतन वापसी करें। रियो में आज फाइनल मुकाबला है, शाम 7:30 बजे उनका मुकाबला शुरू होगा, लेकिन देश के कोने कोने में दुआओं के लिए हाथ उठ रहे हैं। पीवी सिंधु की कामयाबी के लिए दुआएं की जा रही है। पदक का सूखा देश की बेटियों ने खत्म किया। सबसे पहले साक्षी मलिक पदक जीत कराई और उसके बाद पीवी सिंधु ने रजत पदक पक्का किया, लेकिन अब उनके फाइनल की जीत के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि यज्ञ हवन किया जा रहा है। ओलंपिक में जिस तरह से पीवी सिंधु की जीत हुई, रजत उन्होंने पक्का किया, उस पर बधाई भी है। और साथ ही साथ जो उनका फाइनल राउंड है, वो उसमें वो सोना जीत कर लाए और देश को गौरवान्वित करे, इसी कामना के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं शकरपुर बस्ती के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर हवन कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और जो आसपास यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वो सब स्कूली बच्चे जो हैं वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और इन सब की यही इच्छा है कि पीवी सिंधु पदक जीत कर आए। रजत जरूर उन्होंने अब तक पक्का कर लिया है, सुनिश्चित कर लिया है, लेकिन ये रजत सोने में बदल जाए और सोने जैसी जीत के साथ मुस्कुराती हुई पीवी सिंधु जो है वो अपने वतन वापस लौटे, इसी कामना के साथ यहाँ पर यज्ञ हवन हो रहा है। टेस्ट मैच इस वक्त वेस्ट इंडीज में चल रहा है, लेकिन वहां से दुआएं भेजी है क्रिकेटर अनिल कुंबले ने और साथ ही कप्तान विराट कोहली ने। दोनों ने पीवी सिंधु को कहा है ऑल द बेस्ट। वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी जीत के लिए सिंधु को शुभकामनाएं दी। एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट टुडेस मैच। पीवी सिंधु इज गोइंग टू प्ले इन द फाइनल्स एंड आई डोंट मिस दैट। वी ऑल बी प्रेइंग फॉर हर सक्सेस। हाय पीवी सिंधु, आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर guaranteeing India's first silver medal at the Olympics. You made the country so, so proud, and tomorrow is going to be an epic battle. It's going to be an epic clash. So I wish you all the best, all the way here from the West Indies. I hope you bring gold for the country, but nonetheless, whatever happens, you are a champion, and I send you all the power and all the wishes. Good luck to you. Jai Hind. Congratulations, Sindhu, on reaching the final. On behalf of the Indian cricket team, we'll be rooting for you. Go for gold and Gopi, well done to you as well, and all the best. All the best, Sindhu. From Trinidad, from the Indian cricket team, from all of us and the whole of India, we'll be supporting you, Sindhu, and go for gold. All the best. चंडीगढ़ में भी सिंधु की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। स्कूली बच्चे किस तरह से दुआ मांग रहे हैं, इसका जायजा लिया आज तक संवाददाता सतेन चौहान ने। दफ्तरों में काम नहीं हो रहा है, स्कूलों में क्लासेस नहीं लग रही हैं, और पूरा देश कहां लगा हुआ है नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। रियो में मुकाबला शाम को होगा, लेकिन पूरे देश में पीवी सिंधु के लिए अलग अलग तरीके से दुआएं देने का दौर सुबह से चल रहा है। फिलहाल एक स्कूल का नजारा है, पीवी सिंधु का जो है बड़ा स्क्रीन यहां पर लगाया गया है, छात्र छात्राएं यहां पर उनके लिए संदेश लिख रहे हैं और हर कोई उम्मीद कर रहा है, दुआ कर रहा है कि पीवी सिंधु आज कम से कम देश के लिए गोल्ड से कम कुछ ना लाए। आपका नाम? चाहत।
चाहत क्या दुआएं कर रहे हैं आप लोग? हम न्यू पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स ने सिग्नेचर कैंपेन लगाया है सुबह से उसको विश करने के लिए कि वो इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल लेके आए रियो ओलंपिक्स से। एक लड़की दो लड़कियों ने जो है मेडल दिलाए हैं, तो गर्ल पावर क्या आपको लग रहा है कि सुपर पावर बन रही है हिंदुस्तान की? हाँ जी, गर्ल पावर सुपर पावर है। लड़कियों ने ही पहले एक कल जीती थी साक्षी, और आज हम चाहते हैं कि ये भी गोल्ड मेडल जीत के आए हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं देश बदल रहा है, सोच बदल रहा है। छात्राएं देखी हमने, छात्र भी हैं यहाँ पर, इनका जोश भी देखते हैं। क्या किस तरीके से आप लोग चीयर करेंगे पीवी सिंधु के लिए? हम लोग, हमारे आज क्लासेस बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग हॉस्टल में पूरा हमारे स्क्रीन लगाई हुई है, और उसके हम आज पूरा उसे जोश से वो करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। तो एक बिग चीयर हो जाए। थ्री चीयर्स फॉर पीवी सिंधु। तो कहीं ना कहीं दुआओं का दौर चल रहा है, प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, जोश और जुनून का दौर चल रहा है। हर कोई दुआ कर रहा है कि आज पीवी सिंधु गोल्ड से कम कुछ ना लेकर आए इस देश के लिए। सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। जाहिर तौर पर सभी यही चाहते हैं कि जश्न न थमे। इस वक्त हमारी संवाददाता पद्मजा जोशी गोपीचंद अकादमी से हमारे साथ जुड़ गई। पद्मजा, एक मिनी जश्न कल बन चुका है, लेकिन आज एक बड़े जश्न की तैयारी वहां पर चल रही होगी, किस तरह से तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, आज शाम को यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया जाएगा, और जितने ना सिर्फ यहाँ गोपीचंद एकेडमी में जो बच्चे ट्रेन करते हैं, ना सिर्फ उनको, बट जो लोग सिंधु को चीयर करना चाहते हैं, जो उनको जीतते हुए और स्वर्ण पदक लाते हुए देखना चाहते हैं, वो सब एक ह्यूज स्क्रीन पे, एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे बैठ करके देखेंगे सिंधु का मैच। पर हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो कि करता धरता है इस पूरी एकेडमी की, उनको एक तरीके से आप दादी हैं, जो सारा बैडमिंटन टैलेंट है। यहाँ पर इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कुछ 10 साल के भी होते हैं, वो सब गोपीचंद को वो अपना फादर मानते हैं एक तरीके से। सिंधु के पेरेंट्स ने भी कहा कि हमने तो उसको अडॉप्शन के लिए दे दिया था गोपी को, एक तरीके से फिर आप उनकी दादी हुई। कैसे मैनेज करती हैं आप इन सबको, और सिंधु को कैसे मैनेज किया? दे आर बेसिकली दे आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी डिसिप्लिंड, ऑल ऑफ देम आर स्पोर्ट्स पर्सन, दे आर वेरी डिसिप्लिंड, इट्स नॉट मच डिफिकल्ट, बट दे आर ऑल स्मॉल किड्स. Yeah, we'll take care of them. I'm enjoying taking care of them, in taking care of them. ये बताइए, सिंधु जब बहुत छोटी थी यहाँ पर, जब साइना गई थी ओलंपिक्स में, तब से यहाँ पर थी छोटी सी, वो टीवी पे बैठ के देखती थी, अब तक क्या आपने फर्क देखा, क्या डिफरेंस देखा? Nothing much, nothing much. She is the same सिंधु like 10 years or 7 years back. She is very, she's childish. That's why all the players, kids, everybody likes her. Even in the office also, we all like her because she is like a child. She is she's not actually, what you call, she won't be like एक अभी भी अंदर इनोसेंस है सिंधु के, पर अब जब वो वापस आएंगे गोल्ड मेडल लेकर के, जिस तरह की सेलिब्रिटी वो बन चुकी है, अब शायद उनको थोड़ा सा स्किल्स सीख लेना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इनोसेंस जो है उनका, शायद हम आशा करते हैं कि ऐसा ना कुछ भी बदलाव आए, बट उनको थोड़ा सा अब ये सब डील करने की भी आदत डाल लेनी पड़ेगी। बट आज बहुत बड़ा प्लान है यहाँ पर, शाम को हम यहाँ पर होंगे और बड़े से स्क्रीन पे सब लोग देखेंगे कैसे सिंधु गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे इंडिया के लिए। जी, सभी की नजरें इस वक्त पीवी सिंधु पर टिकी हुई हैं, और वहां पर गोपीचंद स्टेडियम, वहां की एकेडमी में भी लंबे चौड़े जश्न की तैयारी की गई है, वहां पर तैयारियां बता रही थी पद्मजा। लेकिन सिंधु के आज के मैच के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने बात की केंद्रीय मंत्री और पूर्व ओलंपिक मेडलिस्ट विजेता से। पिछले 24 घंटे के अंदर भारत ने ओलंपिक के अंदर दो मेडल जो है वो पक्के कर लिए। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने 2004 के अंदर शूटिंग के अंदर जो है वो रजत पदक जीता था। सर, दो पदक जीते हैं और दोनों लड़कियों ने जो है पदक जीते हैं, एक ने बैडमिंटन में, एक ने कुश्ती के अंदर, और आज फाइनल है, लगता है कि पीवी सिंधु गोल्ड भी जीते। बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही हैं पीवी सिंधु, जिस तरह की डिटर्मिनेशन उन्होंने अपने गेम में दिखाई और जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग हुई है, पुलेला गोपीचंद भी उतने ही बधाई के पात्र हैं। दोनों लड़कियों की जो परफॉर्मेंस है वो प्रेरणा स्रोत है पूरे भारत के लिए,
और उम्मीद है पीवी सिंधु इस बार गोल्ड लेकर वापस आएंगी। जब से ओलंपिक शुरू हुआ था ये ओलंपिक, तब से लगातार एक के बाद एक भारत के प्लेयर्स जो है वो हारते चले गए, इन दोनों लड़कियों ने जीत कर भारत का आपको लगता है कि सर ऊंचा कर दिया? बिल्कुल, एक डिटर्मिनेशन चाहिए होती है जीतने के लिए। मेरे ख्याल से अगर आपने जो मुकाबले देखे हों तो दोनों की आंखों के अंदर वो जो एक आग होती है कुछ पाने की, वो साफ दिख रही थी। और ऐसे ही एक ललक होनी चाहिए खिलाड़ियों के अंदर। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये प्रेरणा सूत्र हैं, न केवल भारतीय लड़कियों के लिए, वुमेन पावर, लेकिन सभी भारतीयों के लिए।